This is fifth lecture of the chapter Electromagnetic Induction for class 12. For example, we have a resistor. This is a singular resistor R. So, दो point के बीच में voltage drop कितना होगा, voltage difference कितना होगा? Delta V is equal to IR. ये हम लोग already सीखा है. ये capacitor है. Capacitor का भी दो plate के बीच में voltage difference कितना है? Q by C. और inductor है. दोनों inductor का symbol L है. This is the symbol, ये आपका L से denote करते हैं. तो दोनों के बीच में voltage drop कितना होगा? और delta V is equal to minus L di by dt. Okay. So next is coefficient of cell inductance for a long solenoid. ये board exam में derivation आता है. जैसे solenoid है, length L है, एक coil का आपका radius R है, radius of each coil, N हो गया total number of turns, और small n हो गया number of turns per unit length. तो small n क्या हो जाएगा, capital N by L. तो capital N is equal to N into L. So flux with each coil क्या होता है, B A cos theta, cos zero होगा यहाँ पे. So B A, B magnetic field तो हम लोग solenoid का मालूम है, B is equal to mu naught N I. So phi is equal to एक coil का flux है mu naught N I in place of magnetic field, मैंने ये लिखा है. और A का जगह क्या लिखा है, pi r square. ठीक है, pi r square एरिया, एरिया ऑफ कॉइल, एक सर्कल है ना, सर्कल का एरिया क्या है, pi r square. तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स होगा आपका, टोटल फ्लक्स phi t is equal to होगा आपका phi phi into n capital N. so phi t is equal to लिख सकते हैं हम लोग phi into capital N का जगह लिख सकते nl, nl है nl. so क्या हो जाएगा, अभी phi t is equal to phi का जगह लिखा है mu naught n I pi square और into nl. ये phi और ये phi तो सेम ही है, nl. अभी लास्ट वीडियो में हम लोग सीखा है phi t का जगह क्या लिख सकते हैं, li is equal to as it is say, तो I I cancel, तो क्या होगा, l is equal to mu naught n square pi r square l. अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे करंट तो काट गया, l ये जितना भी टर्म्स है पार्टिकुलर सोलेनोइड के लिए क्या है, कांस्टेंट है. इसका मतलब सोलेनोइड जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना दिया उसका बाद ही उसका जो एल का वैल्यू है वो कांस्टेंट हो गया. ओके, सो इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं. यू कैन मॉडिफाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर. बाकी देखो आप, पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सोलेनोइड. ये भी फॉर्मूला है. सो ये बोर्ड में डेरिवेशन आता है, थोड़ा देख लेना, इंपॉर्टेंट है. सो दैट नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है. ये कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल, बैटरी लगा हुआ है. सो इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जा रहा है. सो दिस करंट इज कॉल्ड प्राइमरी करंट, चेंजिंग करंट है, वेरिएबल करंट. सो देखो, ये करंट अगर करंट कैरिंग कॉइल है तो ये डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव फील्ड होगा. मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इससे भी पास हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल से भी पास हो रहा है. तो देखो, अभी करंट अगर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ड्यू टू व्हाट, प्राइमरी करंट. सो यहाँ पे भी क्या हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ. लेकिन इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कॉस का ऑपोजिट होगा, ये अगर इधर जा रहा है तो ये उल्टा उल्टा, इस करंट और इस करंट का डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो प्राइमरी करंट चेंजिंग की वजह से हो रहा है. ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है पाई टू टू टेल, पाई टू टू टेल दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी, प्राइमरी करंट, प्राइमरी करंट का वैसे चेंज हो रहा है. तो पाई टू टी इज इक्वल टू क्या होगा, एम, एम ए कॉन्स्टेंट है आई टी, तो एम कॉन्स्टेंट को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस. ठीक है, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस एम इज इक्वल टू क्या होगा, पाई टू टी बाई आई टी, जो इसका यूनिट होगा वेबर पर एम्पियर, सेम एज फॉर सेल्फ इंडक्टेंस. और एक बात याद रखना, ये जो एम का वैल्यू है, एम का वैल्यू लाइक एल ना, ये भी क्या होगा, दोनों कॉइल का ज्योमेट्री यानी साइज के ऊपर डिपेंड होगा. और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर दोनों कॉइल का बीच में सेपरेशन, अगर दोनों कॉइल बहुत दूर दूर में है, बहुत दूर दूर में है, तब तो आपको नहीं होगा, वहां पे जाकर फ्लक्स पहुंचेगा ही नहीं. तो सेपरेशन भी आसपास ही होना पड़ेगा, यानी कॉइल के बीच में सेपरेशन एंड कॉइल का ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड होगा कैपिटल एम का वैल्यू.
इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, मान लो ये सेकेंडरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है, सो ई टू इज इक्वल टू क्या होगा फ्रॉम फैराडेस लॉ माइनस डी फाई बाई डी टी, मतलब फाई टू यहाँ का फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल बाय डी टी, ओके सो माइनस साइन समझ में आ रहा है, दिस इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल साइन, माइनस नहीं देते, हाँ सो ई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए कॉन्स्टेंट एज ए कैपिटल एन डी आई पी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को मालूम है फाई टी इज इक्वल टू फ्लक्स, फ्लक्स मतलब क्या होगा जो फ्लक्स मेनली किसका पर डिपेंड करते हैं, प्राइमरी करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी करंट इन प्राइमरी कॉइल, ये हो गया आपका कॉइल के लिए कॉन्स्टेंट है, ऑलरेडी मैंने बताया एम किसका पर डिपेंड करता है, एम इज डिपेंड ऑन व्हाट, एम इज डिपेंड ऑन डायमेंशन ऑफ कॉइल एंड सेपरेशन बिटवीन द कॉइल, ठीक है, और माइनस साइन की माइनस, ये माइनस साइन का रीजन क्या है, इन दिस ईएमएफ ऑपोजिट होता है ना, सो यहां से मॉडुलस ले रहे, मॉडुलस साइन को निगलेक्ट कर दे रहे, एम टी पी डी आई टी डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी करंट, सो एम इज इक्वल टू क्या होगा ई टू पाई रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी करंट, इसका ना इसको डिफिनेशन भी आता है बोर्ड एग्जाम में, डेफिनेशन भी आता है डी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी करंट अगर वन है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ, तो ऐसा इसको डिफाइन करना पड़ेगा, तो हो सकता है ना यू कैन सॉल्व न्यूमेरिकल वन और टू न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, एंड दिस टू टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एज वेल एज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, नेक्स्ट वी विल डिस्कस alternating current and LCR circuit, and two application will be there, transformer and AC generator. ये जो mutual inductance है ना, ये concept से हम लोग transformer सीखना है, ठीक है, transformer जो है ना based on work based on mutual work inductance, ठीक है, थोड़ा बहुत मैं बताया था, जैसे एक coil है, primary coil है, secondary coil, यहाँ पे कितने induced EMF होगा ना वो depend होगा, एक तो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इसका रेट ऑफ चेंज जितना होगा इससे यहाँ पे उतना इंड्यूस ईएमएफ होगा, सेकेंड है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स अगर कम होगा तो वोल्टेज भी ईएमएफ भी इंड्यूस ईएमएफ कम होगा, नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा होगा तो इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा, अगर हमको इंड्यूस ईएमएफ कम चाहिए तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, और इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, ओके थैंक यू।